नमस्कार, मैं प्रियांशा चतुर्वेदी, टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम नोएडा खौड़ा के फादर एग्नल जन कल्याण केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर फादर एग्नल स्कूल से एक इनिशिएटिव लिया गया है लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। इसके बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं, हमारे साथ फादर मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, किस तरीके से फ्री में आप जो सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, कि जिस तरीके से वो अपनी हेल्थ को और ज़्यादा, मतलब जो भी उनको बीमारियां हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, उसको बहुत अर्ली लेवल पर डायग्नोज कर पाएँ, इसके बारे में मतलब हमें इंफॉर्मेशन लोगों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं। हम काफ़ी टाइम से हम इधर बसे हुए हैं, हम हमेशा लोगों को जो बीमार होता है हॉस्पिटल लाते हैं, और ज़्यादा से प्रॉब्लम है कि लोगों को बीमार होने से पहले पकड़ना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन जो बोलती है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, टेस्ट की ज़रूरी होती है, हॉस्पिटल में जाना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है। तो हम सोच रहे थे उसको कैसे करें, हमको एक टेक्नोलॉजी मिली है, उसको टेक्नोलॉजी के नाम है रेजुवेन। इसका मतलब, और इसका सिस्टम बोलते हैं क्लिनिक इन अ बैग, जहाँ से एक छोटे बैग से सारे जो बड़े बड़े टेस्ट हो सकते हैं, हम बिल्कुल लोगों के घर में जाके उसका टेस्ट करा के उसको बिल्कुल बता सकते हैं तुम्हारी बीमारी क्या है, अब बीमारी क्या होने वाली है, और उसको डॉक्टर के पास कनेक्ट करके ये पेशेंट को घर से बिना निकले उसका पूरा उसका चार्ट उसको मिल जाता है। ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इन्वेंशन एक इंडियन का है, पर ये सबसे बड़ा जो बाहर हॉस्पिटल में बड़े पैसों से बन जाता है, हम उसको बिल्कुल नाम बराबर मुक्त कर देते हैं। क्योंकि लोगों को सबसे पहले एक बोलते हैं, एक तरफ से शील्ड रहेगा, कोई बीमार हो ही नहीं सकता अगर उसको पता है उसका हेल्थ का स्थिति क्या है। इसका मतलब कि एक अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोज हो जाने पर आप बीमारी का सबसे जल्द, मतलब वो अगले लेवल पर पहुंचे इससे पहले ही आप उसको अर्ली लेवल पर खत्म कर दें। तरफ तुम्हारा हार्ट का प्रॉब्लम, लंग का प्रॉब्लम, ब्लड में जितना तुम्हारा जो बीमारी होती है डिटेक्ट हो जाती है, सब उससे मिल जाता है। उस तरह नहीं, विशेष करके लेडीज़ लोगों के लिए ब्रेस्ट कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी, इसको पहले प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं क्या होने वाला है, और ये बाहर जाने के लिए तुमको हज़ारों का खर्च होता है, अरे ये इतना इन्वेसिव, कोई सुई नहीं लगनी है, सुई सिर्फ ब्लड टेस्ट के लिए चलती, और किसी चीज़ के लिए कोई सुई भी नहीं लगती, इसको बोले नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस, सबसे बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आज की। ओके सर, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से आपने बताया एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, उसके साथ ही आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर आपका एक बैग में ही अवेलेबल है, पोर्टेबल डॉक्टर विद अ पोर्टेबल क्लिनिक। तो हम अगर डॉक्टर आपको चाहिए, कोई बीमारी आपके बहुत गंभीर है, तब ये टेस्ट से डॉक्टर को दूर से भी पता लग, तो दूर से डॉक्टर उसको बता सकता है तुम्हारी बीमारी क्या है, दवाई क्या ले ले, और रियल टाइम अभी टेस्ट किया, रियल टाइम डॉक्टर को टेस्ट मिलता है, कि लेबोरेटरी में जाएगा कल टेस्ट मिलेगा, ये कहानी सब खत्म, ये दुकान बंद, हमारा दूसरा दुकान खुला है, जल्दी फटाफट टेस्ट और तुम्हारे घर पे। इस क्लिनिकल बैग के बारे में हमें महेश एक्सप्लेन करेंगे, आइए जानते हैं कि क्या है ये क्लिनिक इन अ बैग, और इसके साथ ही हम उस डॉक्टर से भी मिलना चाहेंगे जो पोर्टेबल डॉक्टर है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर ही प्रोवाइड कर दें। अब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के टेक्निकल पार्टनर, जो कि हमें यहाँ की टेक्निकल बातों के बारे में बताएंगे, क्या है ये बैग या फिर ये किस तरीके से इसका वर्किंग फंक्शन क्या है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बैग जो है इसमें रख के, मुझे काफ़ी सारी मशीन्स रखे हुए नज़र आ रही हैं, काफ़ी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन ये हैं क्या, इनसे क्या, किन किन तरीके के टेस्ट होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कितनी ईजिली हो जाएंगे, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। शुक्रिया। मेरा नाम है उमा महेश, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रिजवन मेडिकेयर कंपनी से। सो ये US कंपनी है, एंड US में है और इंडिया में भी है। एक कंपनी का फाउंडर है मिस्टर राज कपूर, ही इज़ एन इंडियन एंड ही इज़ ए इन्वेंटर ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, लाइक क्लिनिक इन अ बैग इज़ वन ऑफरिंग। ये सॉल्यूशन की स्क्रीनिंग पे आपको मल्टीपल पैरामीटर्स ऑन फील्ड पे आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं विथ इमीडिएट रिजल्ट एंड एज वेल एज विथ इंटरप्रटेशंस। बोला तो यू डोंट हैव टू वेट, आपको टेस्ट करने के बाद कौन सा भी स्क्रीनिंग का
टेस्ट का आप वेट करना ज़रूरी नहीं, 15 मिनट में आपको पूरा टेस्ट आपको क्लियर हो जाता है रिपोर्ट के साथ, और डॉक्टर ऑन द स्पॉट है तो उनको हेल्प हो जाता है कि पूरा रिपोर्टिंग का रिजल्ट्स के साथ। नहीं, डॉक्टर दूसरा जगह है तो हम लोग ना मल्टीपल डॉक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं रिमोट लोकेशन से, टेलीमेडिसिन हमारा स्मार्ट टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म से। तो क्या क्या है 50 और 60 एग्जामिनेशंस इन वन स्मॉल बैग, तो क्या क्या दे सकता है ये जो ऐप है? आपको आपको दिख रहा है आपको वाइटल्स हैं, कार्डियो है, उसके बाद लंग फंक्शन है, लैब टेस्ट है, विजुअल एग्जामिनेशंस एंड मेडिकल एंड इसको जो हिस्ट्री है मेडिकेशन लिस्ट बोले तो जो भी मेडिसिन दे रहे डॉक्टर, तो उसको फिर रिविजिट करने के बाद उन्होंने रेफरेंस के लिए देखने के लिए आप देखिए कि वाइटल्स में इतना पैरामीटर्स आ रहा है, और आप जब एग्जामिनेशन करते हैं तो ये पूरा कलर कोडेड है, आपको ग्रीन आ जाता नॉर्मल है तो येलो आ जाता बॉर्डर पे, या रेड है तो आपको अबनॉर्मल है तो रेड आ जाता है। तो पैरामेडिक जो भी है फील्ड लेवल पे रहते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि उसको रेफ़र करना है नहीं। उसके बाद पैरामेडिक में पूरा डिपेंड करने का ज़रूरी नहीं है, बैक एंड में मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक कंट्रोल सिस्टम बिल्ट इन है, तो मॉनिटरिंग होते रहता कि ये सब ऑटोमेटेड है, तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और प्रेडिक्टिव एनालिसिस है। तो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि ये डैशबोर्ड्स क्रिएट हुआ है कि डॉक्टर को पता चल जाता है कि व्हाट सेगमेंट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग, और कैटेगराइज करके तो उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। तो वाइटल पैरामीटर्स ये हैं, उसके बाद ऑस्कल्टेशन, और यूज़र को इतना सिंपल है आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टाइमर जो भी रहता है तो उन्होंने इतना थंबनेल्स दिया हुआ है वीडियोस एंड मैनुअल्स, तो ही कैन ऑपरेट इत विथ ईज। एक्चुअली आपको दिख रहा है या so you have the three lead, you have auscultation, you have cardiac function, you have the pulmonary here, so hum log ka do offerings hai, peak flow and spirometer, uske baad lab test, aap lab test dekh rahe ho ko aapko blood glucose hai, hb1ac hai, lipid hai, hemoglobin, creatinine, rapid test, urine analysis and drug test। to main aapko rapid test dikha raha hu ki itna test available hai ye pura clinic in a bag, so one single bag has all the diagnostic required diagnostic for a remote health monitoring or a care delivery। okay aaiye jante hain ab in equipments ke bare mein, ek ek equipment sir aap mujhe apne haath haan ji this is a for the cardio part, ye heart ke liye use hota hai, portable hai, lightweight hai, it can be attached and detached to any authorized approved stethoscope, iske liye ho jata hai, and you have the breast cancer स्क्रीनिंग के लिए बहुत लाइट है, सो बहुत हैंडी है। उसके बाद यू हैव द हीमोग्लोबिन, सो आप कौन सा भी एग्जामिनेशन कर रहे हो, सो हमारा नॉन इन्वेसिव इन्वेसिव दोनों हैं। तो नॉन इन्वेसिव तो कंज्यूमेबल्स तो वेरी रेयर, हार्डली बेसिक कंज्यूमेबल्स है, सो वेरी वेरी लो मेंटेनेंस रहता है कि मेंटेनेंस में बहुत खर्चा होता है। तो ये सिस्टम है, consumables are very very lessly used, basic like you know the spirit used, yeah, alcohol swipes are used for and we for an invasive we use the kind of a strips for lipid hai, hemoglobin hai, samples kidhar bhi carry karne ki zarurat nahi, then and there results are generated and we provide the examination test ke turant hi saath hame apni report mil jayegi। ye pulmonary ka hai, so for the lung function, this is for the ENT and also for the skin के लिए, skin के लिए भी आजकल बहुत diseases आ रहे हैं, so even for the skin for at a micro level of understanding and doing an analysis, this can be done। तो आज हमने जाना किस तरीके से नोएडा खोड़ा में एग्नल जन कल्याण केंद्र में advanced technology telemedicine का इस्तेमाल करते हुए ये small clinic खोला गया है, क्लिनिक इन अ बैग लाया गया है, जिससे कि लोगों को हेल्थ इश्यूज़ का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत ही जल्द से जल्द इनिशियल स्टेज पर आप जो है अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर किसी भी रिमोट लोकेशन पर बैठ कर आपको देख सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, इसके साथ ही देखते रहें TV9 Digital।